राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अमित शाह से दोस्ती कब और कैसे हुई? आखिर भजनलाल शर्मा और जेपी नड्डा के रिश्तों के पीछे क्या है गोवर्धन पूजा का कनेक्शन और उनके मुख्यमंत्री बनने के पीछे क्या है तीन सबसे अहम फैक्टर? बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और सांगानेर से विधायक भजनलाल शर्मा को जब मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा हुई तो विधायक दल की बैठक में मौजूद हर नेता चौंक गया। लेकिन आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद के लिए मोदी शाह की पहली पसंद बना दिया? इतने बड़े राज्य के तमाम समीकरणों में भजनलाल शर्मा कैसे फिट बैठ गए? एक सरपंच से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले भजनलाल ने सियासत की बारीकियां बहुत पहले ही सीख ली। राजनीति की प्राइमरी स्कूल कहे जाने वाले पंचायती राज से सियासत शुरू करने से भजनलाल में ग्रास रूट की बारीकियां आई, गांव के गरीब के मुद्दों की समझ पैदा हुई। आरएसएस से जुड़ाव के चलते साइलेंट होकर काम करते जाना और अनुशासन में रहना सीखा, यही दो गुण उन्हें यहां तक पहुंचने में काम आए। पार्टी के टास्क को 100% डिटेक्शन करने से पूरा करने की जिद ने उन्हें अमित शाह और पीएम मोदी का पसंदीदा बना दिया। भजनलाल शर्मा के काम को नजदीक से देखने वाले बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उन्हें साइलेंट वर्कर के तौर पर जानते हैं। वसुंधरा राजे की सरकार के समय उन्होंने तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी मदन लाल सैनी के साथ महामंत्री के तौर पर काम किया। जब पार्टी विपक्ष में आई तो सतीश पुनिया, सीपी जोशी के साथ भी काम किया। भजनलाल के कामकाज को नजदीक से देखने वाले एक बीजेपी नेता ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष बदलते गए लेकिन उन्हें जो काम सौंपा जाता था उनके डेडिकेशन में कभी कोई कमी नहीं आई। भजनलाल शर्मा के पिता किशन स्वरूप का कहना है कि राजनीति में होने के चलते उनके बेटे भजनलाल समय पर खाना नहीं खाते थे, घर छोड़कर कई दिन बाहर ही रहना पड़ता था। घर आते भी तो एक या दो घंटे के लिए, कई बार शाम को आते, कुछ देर रुकते और रात को 12 बजे जयपुर चले जाते। भजनलाल शर्मा के आध्यात्मिक झुकाव की वजह से वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के करीबी बने। वे नियमित अंतराल पर गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा पर जाते हैं, नियमित पूजा अर्चना करते हैं, कोई भी बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं छोड़ती।